नमस्कार टू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज शेफ गगन और आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम सूप। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रेसिपी है अराउंड 12 पोर्शन मशरूम सूप के लिए। तो इसके लिए मैंने यूज़ किए हैं 4 बड़े प्याज और उनको स्लाइसेस में काट लिया है। उसके बाद 2 पैकेट मशरूम, उनको भी चॉप कर लिया है रफली, ये देखिए। फिर थोड़ा सा गार्लिक अराउंड 30 ग्राम, इसको भी रफली चॉप कर लिया है। जिंजर ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। ज़्यादा डालेंगे ख़राब टेस्ट कर देगा और थोड़ा डालेंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। बटर जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको फ्रिज में ही रहने दीजिए। क्रीम जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी रख लीजिए। अब है मिक्स स्पाइसेस, आप जो पिज़्ज़ा सीजनिंग है वो यूज़ कर सकते हैं। नमक और काली मिर्च स्वाद अनुसार। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमने क्या किया है, बटर को पैन में मेल्ट कर लिया है। उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें मशरूम्स। मशरूम पहले डालने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा बटर में स्वेट हो जाते हैं, ये हमने थोड़े से स्वेट करने हैं बटर के अंदर। उसके बाद हमने इसमें डाल दिए हैं अपने स्लाइस किए हुए प्याज और लहसुन। अब हमने इनको अच्छे तरीके से ब्राउन करना है, मतलब भून लेना है अच्छे तरीके से, तभी इसका जो सही टेस्ट आएगा। अगर आप इसको नहीं भूनेंगे ना, तो मशरूम, उबले हुए मशरूम बड़े अजीब सा टेस्ट देते हैं और भुने हुए मशरूम का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। देखिए हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जिंजर डाल देंगे ताकि जिंजर भी थोड़ा सा भुन जाए उसके साथ। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 गिलास पानी डाल देंगे। तो भूनने के बाद मशरूम का जो टेस्ट होता है बड़ा ही प्यारा, इसका अर्धन टेस्ट जैसे बोलते हैं ना, तो अर्धी टेस्ट वैसा दे देता है। हमने इसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है ताकि सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएं। जैसे ही उबल जाएं फ्लेम को कर दीजिए बंद। बंद करने के बाद आप इसमें डाल दीजिए जो स्पाइसेस हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है सूप को पेस्ट करने की। पेस्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है, जो सब्जियां उनको ठंडा करना है, उसमें थोड़ी सी बर्फ़ भी डाल देनी है। बर्फ़ डालने के एक तो बर्फ़ ठंडा करेगा, एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा क्या है, इसमें सब्जियां बड़ी ही स्मूथली पेस्ट होती हैं, ये आप ट्राई करके देखिए। तो हमने इन सब्जियों को ग्राइंडर में डाला है, थोड़ी सी बर्फ़ भी डाल दी है, ये देखिए कितना स्मूथ हुआ है। पहले एक लॉट करेंगे फिर दूसरा लॉट भी हम लोग पेस्ट कर लेंगे। अब बारी आती है सूप को दोबारा गर्म करने की। एक पैन के अंदर हमने फिर से जो पेस्ट की हुई है जो सूप है उसको डाल दिया है, साथ में डाल दिया है थोड़ा सा पानी। कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है मुझे, इसमें हम लोग थोड़ा सा और पानी डालेंगे क्योंकि सूप पकने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए अब कंसिस्टेंसी ठीक है, तो इसको हम लोग उबाल लेंगे। ज़्यादा पकाएंगे नहीं, सब्जियां ऑलरेडी पकी हुई हैं, बस हमने इसको थोड़ा सा बॉयल लाना है। जैसे ही बॉयल आ जाए हम इसमें डालेंगे फ्रोज़न बटर। फ्रोज़न बटर क्या करता है, इमल्सिफिकेशन का काम करता है, मतलब सूप को एक बाइंडिंग दे देता है, तो इसलिए फ्रोज़न बटर ही डालना है आपने। अब हम इसमें सीजनिंग एडजस्ट कर लेंगे और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए, तो बटर मेल्ट हो गया उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे क्रीम। क्रीम डालने के बाद हमने सूप को बॉयल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, क्रीम फट जाएगी और क्रीम के जो दाने दाने से होते हैं वो ऊपर आ जाएंगे, वो सूप देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्रीम हमारी डिज़ोल्व हो गई है अच्छे तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी सीजनिंग क्रश पेपर डाल देंगे और आपका टेस्टी सूप रेडी है। इसको आप सर्व कीजिए बिल्कुल गर्म। जो सूप है, सूप को बिल्कुल पाइपिंग हॉट सर्व होना चाहिए, तभी उसका सही टेस्ट आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद अनदर रेसिपी। टिल देन गुड बाय।